हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का समय है, तो आप लोग को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी हम चंचाली माता मंदिर जा रहे हैं, जो झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो चलिए वहाँ का शानदार सा आप लोग को व्यू दिखाते हैं, और वहाँ जा करके वहाँ के लोगों से जानते हैं इस मंदिर के क्या क्या विशेषताएँ हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तब तक इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चंचालनी माता मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, वो चंचालनी धाम का ही लगा हुआ है, और इसके आगे आपको एक मेन द्वार नजर आ रहा होगा, जो चंचालनी धाम का मेन गेट है। और इसी गेट से अंदर हो करके अभी हम चंचालनी माता मंदिर जाएंगे। तो इस गेट से चंचालनी माता का मंदिर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो गाइस, अब चंचालनी माता का मंदिर जो है वो नज़दीक आ गया है, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी और बचा हुआ है चंचालनी माता का मंदिर। तो चलिए अब हम लोग वहाँ पर जा करके वहाँ का सुंदर सा दृश्य आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग फाइनली चंचालनी धाम पहुँच गए हैं, और अब यहाँ पर पूजा करने के लिए पूजा के सामान खरीदेंगे, और उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर पूजा करेंगे। तो उसका व्यू अभी आप लोग को दिखाएंगे, तब तक वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे नवरात्र के दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो जो आप सामने मेन द्वार देख रहे हैं, उसी मेन द्वार से हम लोग अंदर होकर के पूजा करने के लिए जाएंगे। तो गाइस, अभी हम पूजा करने के लिए अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पे एक स्थानीय निवासी चाचा जी मिले हैं। इनसे जानते हैं इस मंदिर की खासियत क्या है, ये अभी बताएंगे। चंचालनी धाम लक्ष्मी पूजा भंडार, मेरा नाम है सुरेश पंडित, और यहाँ शक्ति पीठ है। यहाँ बहुत शक्तिशाली है, जो महिमा यहाँ पर मांगते हैं उनका पूर्ण होता है यहाँ पर। और डीसी भी आते हैं, एसपी आते हैं, बड़ा बड़ा लोग भी आते हैं, दूर दरार से भी आते हैं, पूरा झारखंड बिहार। पहले तो कम जानकारी था, अब डीसी साहब जान गए कि यहाँ पर है तो और जानकारी होने लग गई। कहने मतलब यहाँ पे अगर कोई मनोकामना अगर कोई लेकर आता है, बहुत अच्छी से होता है। 200 वर्षों की हाँ नहीं बता सकते इतना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये चाचा जो बताएं, ये मंदिर काफी पुरानी है, और यहाँ पे लोग काफी दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे जो भी भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, उन सभी के मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। पूजा करने के बाद हम आप लोग को टोटल यहाँ का व्यू दिखाएंगे, तब तक आप लोग इस ब्लॉग में बने रहें। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद माता जगतो किलस्य प्रसीद विषे स्वरिपाय विश्वाम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य यास्यं सुकृतिनं भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतिधियां हृदय सुबोधे श्रद्धा सतं कुल जनपरो वत्सलज्ज तान् त्वां नता स परिपाय देवि विश्वं शरणागतिनाथाय प्रीत्राणि प्राणि सर्वसार्थि हरे देवी नारायणी नमस्तुते प्रेम चंचालनी माता की जय। जय चंचाली माता। सुजीत सत्येंद्र दीपक आपके समक्ष में गुंडी से चल के आए भैया, ये लोग जो अभी कार्य कर रहे हैं भैया, इनको कार्य में सफलता दीजिएगा, काल कष्ट को दूर कीजिएगा, राज्य परिवार को दूर कीजिएगा, हम करेंगे सब। जय चंचाली माता।
तो गाइस फाइनली अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो पूजा है वो खत्म हो गया है और अब हम ऊपर पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहां से आप लोगों को टोटल व्यू दिखाएंगे। तो ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं इसी रेलिंग के सहारे अभी हम ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। तो अगर ये रेलिंग नहीं रहता तो काफी लोगों को ऊपर चढ़ने में समस्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं हम ऊपर चढ़ भी गए हैं और यहाँ से आप लोगों को टोटल व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ का जो व्यू है काफी शानदार है, काफी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी एक मंदिर है और एक गुफा है जिसमें माता पार्वती रहती है और इस गुफा में जगह इतना कम है कि एक बार में एक ही भक्त अंदर जाके पूजा कर सकता है और बाहर आ सकता है। तो गाइस अभी आप लोगों ने यहाँ का जो व्यू देखा काफी खूबसूरत है और अब हम लोगों का जो पूजा है वो भी खत्म हो गया है। तो अब हम लोग नीचे उतरेंगे। तो ये जो रेलिंग देख रहे हैं इसी रेलिंग के सहारे अभी हम लोग नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके कुछ लोगों से बात करेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पूजा करके फाइनली नीचे उतर गए हैं और यहाँ के दो लोग हमको मिले हैं। तो जानते हैं इन लोग से कि इस मंदिर के क्या क्या विशेषताएं हैं और यह मंदिर कितनी पुरानी है, तो अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। तो भैया अभी आप हमको बताइए कि मंदिर कितनी पुरानी है और इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। मंदिर यहाँ 200 साल पुराना है। 200 साल हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पे, स्वप्न मिला यहाँ पे कुछ है तो आज देखिए आप। तो हमारे पूर्वज आए यहाँ पे तो देखे कि यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है। सामने से एक शेर आया, शेर वहाँ आके बैठ गया, माता स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ प्रत्येक दिन पूजा होनी चाहिए। तो 200 सालों से यहाँ प्रत्येक दिन पूजा हो रही है। एक भी दिन नागा नहीं होता? नहीं, एक भी दिन यहाँ पे नागा नहीं हो रही। बाबा आप हमको ये चीज बताइएगा, जैसे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं कुछ अपना मन में मनोकामना लेकर आते हैं तो उन लोग क्या मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे? देखिए यहाँ अभी बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं के बाद ऊपर सीढ़ी के जो क्या बोलते हैं सखुआ का पेड़ है ना, हाँ वहाँ तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो मधुमक्खी वहाँ है ना जी जी तो पूरा सारा बिनने लगेगा और इतना सारा जो बिनने लगेंगे जो कोई बिना हॉस्पिटल का उपाय नहीं है। अच्छा वहाँ से इसका एक सीमा है, पेड़ था। एक मान्यता यह भी है कि आप जो भी मनोकामना मांगिए अगर दिल से मांग रहे हैं, मन से मांग रहे हैं तो भगवती पूरा करती है। आपका कहने का मतलब है कि जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ सच्ची भावना से सच्ची भक्ति से यहाँ पे आते हैं उन लोग की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो गाय जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये मंदिर जो है करीबन 200 वर्षों पुरानी है और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे जितने भक्त लोग पूजा करने के लिए आते हैं उन सभी भक्तों का मनोकामना पूरा होता है। तो गाय अब हम लोगों का पूजा ख़त्म हो गया है और अब हम लोग घर जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा या कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।